कोरोना वायरस तेजी से दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के करीब 28 मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता लोगों को मास्क बांट रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ता लोगों को अपने हाथों से मास्क पहना भी रहे हैं। कोलकाता में कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर के बाहर कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बांट रहे हैं। इस मास्क पर सेव फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन के साथ ही मोदी जी भी लिखा है और कमल का फूल भी बना है। हालांकि मास्क की गुणवत्ता स्वीकृत मानदंडों के अनुकूल है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी नेता प्रताप बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, उसकी रक्षा के लिए हम ये मास्क लोगों में बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है, उसी के आधार पर ये मास्क बांटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये खतरनाक जानलेवा कोरोना वायरस दुनिया भर के करीब 80 देशों में फैल चुका है। रात में अब तक 28 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव आए हैं, हालांकि इनमें से 3 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सरकार की तैयारियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि 15 लेबोरेटरी पहले स्टेब्लिश हो चुकी थी, अभी 19 और लैब स्टेब्लिश किए हैं, यानी टोटल 34 लैब हैं। वहीं ईरान से भारत आने वालों के लिए ईरान में लैब बनाने के लिए सामान भेजा जाएगा और इस मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।